नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में वापस से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ये कैसे जान सकते हो कि किसी लड़की का दिल ना आपके ऊपर आ गया है। मतलब भाई, आप जो है ना किसी लड़की के क्रश हो, लड़की को ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, ये आप कैसे जान सकते हो। तो भाई, आज की इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे समझ में आए। और यार, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से शेयर करना ताकि बाकी की भी हेल्प हो जाए। तो भाई, बढ़ते अपने वीडियो की ओर। तो भाई, जो पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जब भी कोई लड़की ना आपको दिल बैठती है, ठीक है, जब भी आप किसी लड़की के क्रश होते हो तो वो लड़की ना आपको बार बार देखती रहती है। मतलब भाई, जब भी आपको कोई ऐसा फील हो ना कि यार कोई लड़की आपको बार बार देखती है, तो अब इसका मतलब ये मत समझ लेना यार कि पहली बार में कि वो लड़की आपसे प्यार करती है। पर भाई, आप खुद सोचो कि अगर कोई लड़की आपको बार बार, मतलब यार जब भी आप उस लड़की के पास रहते हो ना, तब तब वो लड़की आपको देखती है। सिर्फ एक दिन नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आप किसी लड़की के आस पास रहते हो, सडनली वो लड़की आपको देखती रहती है बार बार। कभी कभी तो आपको ऐसा फील होने लगता है कि अरे यार, ये लड़की इतना क्यों देख रही मुझे, ठीक है। तो भाई, आप समझ जाना कि वो लड़की आपको सच में चाहने लगी है। और जब भी आप लड़की को देखते हो ना, तो लड़की बहुत इधर उधर देखने लगती है, लड़की बहुत शाय बिहेव करती है, लड़की कभी अपने नजर को नीचे कर लेती है, कभी स्माइल करने लगती है। तो आप समझ जाना यार कि लड़की के दिल में ना सिर्फ और सिर्फ आप हो, लड़की को आप बहुत ज्यादा पसंद हो, तभी वो आपको दिन भर घूरते रहती है। तो भाई, अब बढ़ते अपने दूसरे पॉइंट की ओर। तो भाई, जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जब भी आप लड़की के ग्रुप में जाओगे ना, तो उसके ग्रुप में हलचल हो जाएगी। देखो भाई, दोस्त ना हम सबके होते हैं और हम सबके दोस्त ना कमीने होते हैं, और सेम चीज़ ना लड़कियों के साथ भी होती है, ठीक है। जब भी लड़की को ऐसा होता है ना कि लड़की का दिल आप पे आता है, तो वो अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करती है। और उसकी फ्रेंड लोग क्या होता है ना कि आसपास में जो है बता देती है कि यार ये लड़के पे ना इस लड़की को क्रश हो गया वगैरह वगैरह। और जब भी आप जो है लड़की के आसपास जाते हो, तो उसकी जितनी भी पूरी ग्रुप है ना, वो ना लड़की को ताना देने लगती है कि देख जीजू आ रहे हैं वगैरह वगैरह करके। तो लड़की को यार जब भी ऐसा बोलेगा, तो ऑफकोर्स लड़की को बहुत ज़्यादा हिडिटेशन होती है, लड़की बहुत ज़्यादा साई बिहेव करने लगती है, मतलब यार वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगेगी, बहुत ज़्यादा शर्माने लगेगी। तो भाई, अगर ऐसा होता है कि आप किसी लड़की के ग्रुप वगैरह की तरफ जाते हो ना, तो उसकी पूरी पूरी ग्रुप में ना हलचल हो जाती है, सब लोग आपस में हंसी मजाक पूरी करने लगते हैं। और कोई लड़की जो आपको बार बार देखती होती ना, वो लड़की एकदम शर्माने लगती है। तो भाई, आप समझ जाना कि वो लड़की ना आपको चाहती है, और आपको चाहती है ऐसा उसके फ्रेंड लोग को भी पता है कि यार वो लड़की आपको चाहती है। तो ये दूसरी पॉइंट हो गया। अब जो मैं आपको थर्ड पॉइंट बताने वाला वो है कि लड़की आपके बारे में ना पता करेगी। देखो भाई, जब भी हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हमें ना उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा पसंद होता है, ठीक है। अब यार वो लड़की है ना आपसे सीधा सीधा आकर के तो पूछेगी नहीं कि आप क्या हो, अपने बारे में बताओ वगैरह वगैरह। तो वो लड़की क्या करती है कि आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड है, मतलब यार जो लड़के या लड़की आपकी भी फ्रेंड है और उस लड़की की भी फ्रेंड है, उनसे ना वो आपके बारे में जरूर पूछेगी कि अच्छा वो क्या करता है वगैरह वगैरह। और यार वो ना डायरेक्टली नहीं पूछेगी कि अच्छा उसके बारे में बताओ, वो ना इनडायरेक्टली आपके बारे में बहुत सारा चीज पूछेगी। तो भाई, अगर कोई लड़की आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, आपकी फ्रेंड लोग से वो पूछती रहती है आपके बारे में, ठीक है, बेमतलब का, तो यार आप समझ जाना कि उस लड़की को ना आपसे अटैचमेंट हो गई है, वो लड़की ना आपको चाहने लगी है, तभी भाई उस लड़की को ना आपके बारे में जानने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो भाई, अगर कोई लड़की आपको ये तीनों साइन देती है, तो आपको सबसे पहले उस लड़की के पास जाना है और नॉर्मल सी बात करना है। और अगर आपको बात करने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है, तो मैंने कुछ वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप जरूर से जाकर के देख लेना। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो जरूर से लाइक करो, कमेंट करो, और या जरूर से सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल पे अगर आप नए हो। तो भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।